दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं निहाल अहमद, किसानगढ़ फॉर्म। देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। ये देखिए सारा बनराजा मुर्गी है जो ओपन ग्रेजिंग पे है, और ये देखिए अब कुछ दिन में ये अंडा देगी। ये देखिए ये देखिए सारी बनराजा मुर्गी है, ये पूरा ओपन ग्रेजिंग पर रहती है। दोनों एक साथ है जिसको हम लोग कावेरी बोलते हैं। ये देखिए कावेरी है, ये देखिए हमारा बाहर का एरिया है जिसमें ये घूम घूम के चरती है। ये देखिए इसमें हमारे छोटे छोटे बकरी के बच्चे भी रहते हैं। ये देखिए ये पूरा मेरा शेड है, ये ढक दिया गया है अभी ठंडी के लेके। और ये देखिए इसमें पूरी मुर्गियाँ ले ले ये देखिए देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ में। और ये देखिए आ रही है खाना खाने के लिए। ये ले ये देखिए ये देखिए हमारा ब्लैक बंगाल का ब्रीडर तैयार किया जा रहा है, ओरिजिनल ब्लैक बंगाल का ब्रीडर है। देखिए इसको मक्का दिया जाता है खाने के लिए। देखिए ये अभी 7 महीने का है, स्पेशली इसको अलग रखा जाता है फार्म से। ये मेरा पूरा ओपन एरिया है मुर्गियों के लिए, इसमें देखिए छोटे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। ये देखिए मेरा पूरा शेड है, अभी कवर किया गया है इसको, फिर द्वारा मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ। ये देखिए अभी मुर्गियाँ सारी अंदर है, दाना खा रही है। इसी तरीके से आप बनराजा को ओपन रख के पाल सकते हैं, और ये अंडा देती है लगभग एक साल में आपको 180 से 200 अंडा तक देगी। ये देखिए बीच में हम लोग का डकलिंग भी रहेगा। ये देखिए ये आपको दिखा रहा हूँ मुर्गी की प्रजाति कौन कौन से होती है, और ये देखिए मछली का है, अभी हम लोग का तालाब है उसका भी वीडियो मैं आपको डालूँगा। तो हम लोग किसानगढ़ फॉर्म पूरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे काम कर रही है, और हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं किसानों के लिए। ये देखिए हमारे छोटे बच्चे हैं किड्स बकरी के, चलो